गाइज तो हम आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। तो गाइज कैसे हो आप लोग, मैं मनीष सिंह, आप लोग देख रहे हो सिंह फिटनेस रहा। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं फिटनेस इंडस्ट्री से बहुत सारा अपडेट लेकर आया था, फटाफट में इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो सबसे पहला और सबसे बड़ा अपडेट है वो है रोहित खत्री की तरफ से। गाइज रिसेंटली देख सकते हो उन्होंने अपना एक फोटो शेयर करा, एंड गाइज आप लोग देख सकते हो सबसे बड़ी हैरत की बात, इसलिए मैं ये अपडेट को शेयर कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने कैप्शन में लिखा था वेस्ट बाइसेप्स इन इंडिया। आपको क्या लगता है इनका पूरे इंडिया में सबसे वेस्ट बाइसेप्स क्या रोहित खत्री का है? वाट एवर, मतलब एक हंसी मजाक वाली बात उन्होंने कर दी। मेरे को ऐसा लगता है, आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या इंडिया में सबसे बेस्ट बाइसेप्स जो है वो इनका रोहित खत्री का है। वाट एवर जो भी सोचते हो आप लोग कमेंट दे, मेरे अनुसार कहोगे तो मैं, मेरा मतलब बताने का मतलब है कि संग्राम चौगले इन सब का बाइसेप्स क्या वेस्ट बाइसेप्स नहीं है, क्या इनसे बड़ा बाइसेप्स नहीं है? वाट एवर जो भी सोचते हो गाइज, आप लोग इनके बारे में जरा दो चार लाइन कमेंट में जरूर लिखना। तो गाइज जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है मनोज पाटिल की तरफ से। तो रिसेंटली उन्होंने अपना एक अपडेट शेयर कराया, एंड गाइज आप लोग देख सकते हो, रियली बताऊँ तो बहुत इंप्रेसिव लग रहे हैं। चेस्ट और शोल्डर में जो फाइबर है वो अब दिखने लगा, और उन्होंने कैप्शन में लिखा था वी वर्किंग 11 वीक्स आउट, एंड गाइज रियली बताऊँ बहुत इंप्रेसिव लग रहे हैं मनोज पाटिल। एंड इस बार बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला गाइज, देखो सब अपना बेस्ट पैकेज लेकर आएगा, एंड सबका अपना अपना एक फेवरेट एथलीट्स भी होता है, सबका फुल मेहनत करके फुल वर्क करके आएंगे, बट जो भी होगा वो तो ऑन द स्टेज पता चलेगा। बट अभी गाइज मैं बता सकता हूँ कि मनोज पाटिल जो है वो बिल्कुल डोमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि देख सकते हो शोल्डर में जो राउंडनेस दिख रहा है इनका वो तो मतलब नेक्स्ट लेवल है। बस कंडीशनिंग जिस तरीके से ये अभी इनका दिख रहा और भी मतलब निखर कर लास्ट टाइम तक तो बहुत जाकर भी थे, 11 वीक्स में बहुत तगड़ा होकर आने वाले इस बार मनोज पाटिल। और गाइज इनका जो है मैं बोल सकता हूँ कि लक प्लेस भी बोल सकता हूँ दिल्ली, जहाँ पे इन्होंने प्रो कार्ड भी जीता का था। तो क्या इस बार प्रो शो को जीतेंगे या फिर नहीं, वाट एवर जो भी सोचते हो आप लोग कमेंट करते हैं, मेरे अनुसार कहोगे तो मेरे को ऐसा लगता है कि दिल्ली वाले शो में मनोज पाटिल फतेह कर सकते हैं। तो गाइज आप लोग बताना कि क्या मनोज पाटिल जीतेंगे नहीं, वाट एवर जो भी सोचते हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है भुवन चौहान की तरफ से गाइज। तो रिसेंटली देख सकते हो उन्होंने अपना एक अपडेट शेयर कराया, एंड गाइज आप लोग देख सकते हो ये इनका कंडीशन, ये कंडीशनिंग की बात करूंगा तो इस बार बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा ये वर्क कर रहे खुद पे, एंड बहुत इंप्रूवमेंट करके आने वाला, क्योंकि देखो इस बार जो राइवलरी लास्ट टाइम कर रहा गया था बिलाल अली वर्सेस भुवन चौहान, जो कि इस बार लग रहा होने वाला है, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत सारे लोगों ने लाइक क्रिटिसाइज करा था बिलाल अली को, तो वो इस बार आएंगे तो ये भी अपना इंडिया में अपना बेस्ट पैकेज लेकर आएंगे भुवन चौहान, और कोशिश करेंगे कि इस वाले शो को भी जीतने को मीन्स लाइक भुवन चौहान को बीट करने को। तो लेट्स सी गाइस, देखते हैं क्या होता है। वाट एवर जो भी सोचते हो आप लोग भुवन चौहान के बारे में आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है संग्राम चौगले की तरफ से गाइस। तो रिसेंटली देख सकते हो वो आर्म्स का वर्कआउट करते हुए देखिए गाइस, आप लोग सोच सकते हो कि लाइक वर्कआउट तो ये रेगुलर बेसिस पे करते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने लास्ट टाइम इनका इंटरव्यू लिया था एंड इनसे मैंने मिला था, तो ये बोलते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग वगैरह करना पड़ता है, तो मतलब बहुत स्किप भी करते हैं। लेकिन इनका आर्म, मैंने इनसे पूछा था कि आपका आर्म्स का साइज मतलब विथआउट वर्कआउट किए भी आपका आर्म्स का साइज बहुत ही ज़्यादा, तो उन्होंने जैसा बताया कि उनका जेनेटिक्स लाइक कोल्हापुर से बिलोंग करते हैं, जैसे मनोज पाटिल हो गए उनका भी देख सकते हो बहुत अच्छा, मतलब जेनेटिकली बहुत बढ़िया है, गॉड गिफ्टेड बोल सकता हूँ। तो देख सकते हो आर्म्स कितना बिग लग रहा गाइस। एंड आप लोगों को क्या लगता है कि मतलब मैंने जैसे पूछा था कि आप शो में कॉम्पीट करोगे, बट इन्होंने अपेनली बोल दिया था करके कि नहीं कॉम्पीट मतलब आप नहीं करेंगे, बट आप लोग कॉम्पीट कर बताना इनको कॉम्पीट करना चाहिए नहीं, वट एवर जो भी सोचते हो। कल वाली वीडियो में मैंने बताया था जितेंद्र सिंह को एक फेयरवेल गेम खेलना चाहिए, तो आप लोग बताना क्या संग्राम चौगले दादा को भी खेलना चाहिए नहीं, वट एवर जो भी सोचते हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइज जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है भरत सिंह बालिया की तरफ से गाइज। तो रिसेंटली देख सकते हो उन्होंने अपना एक फिजिक अपडेट शेयर करा, एंड रियली बताऊँ बहुत ही ज़्यादा देखकर मतलब नेक्स्ट लेवल, बहुत ही मजा आ गया गाइस। देख सकते हो बिल्कुल शेप में आ चुके हैं पहले के शेप में। तो आपको क्या लगता है कि एक वार्निंग हो सकता है कि ये किसी शो में कम्पीट करने वाले, क्योंकि जिस तरीके से इनका फिजिक लग रहा है मिड सेक्शन देख सकते हो कितना कितना मतलब वेस्ट रेशियो नैरो दिख रहा है, एंड कितना मतलब विजिबल लाइक बिल्कुल शार्प दिख रहा है। चेस्ट में देख सकते हो बिल्कुल जो इनका मसल मास था मतलब फुल बॉडी इनका कम बैक हो चुकी है। तो गाइस क्या लगता है आपको, फिर से वन मोस्ट टाइम ये स्टेज पर दिखने वाले हैं या फिर नहीं, क्योंकि जिस तरीके से इनका जो फॉर्म दिख रहा है वो तो बिल्कुल शो कर रहा कि ये पक्का किसी शो में कम्पीट करने वाले गाइस। तो यदि कम्पीट करते हैं इनके तरफ से कोई अपडेट आता है तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना गाइस। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है अरविंद अस्पताल की तरफ से गाइस। तो देख सकते हो उन्होंने प्रो कार्ड जीतने के बाद ये इनका करंट कंडीशन है, कंडीशनिंग बिल्कुल ऑन पॉइंट लग रहा है गाइस, क्योंकि अब बहुत ही कम टाइम 11 वीक्स आउट हैं और ये अभी कम्पीट करेंगे दिल्ली में आकर। तो आपको क्या लगता है कि मतलब वैसा कि उन्होंने अपने कैप्शन में लिखा था वन स्टेप एट अ टाइम एंड सुनर और लेटर यू विल मेक इट, मतलब बिल्कुल इनका जो मनोबल है वो बिल्कुल हाई है और इनको मतलब बिल्कुल मैं बोल सकता हूँ नेक्स्ट लेवल मतलब वो है कि ओलंपिया के स्टेज पे जल्दी जाने का।
तो लेट्स सी गाइस, देखते हैं। वैसे मैं बता सकता हूँ बिल्कुल ऑन पॉइंट लग रहे गाइस, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि इनका फ्रीक आप लोगों को कैसा लगा। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है सुंदरम की तरफ से गाइस। तो रिसेंटली उन्होंने अपना एक अपडेट शेयर करा है गाइस, आप लोग देख सकते हो ये फ्रंट और बैक दोनों की कंडीशन है। फ्रंट की बात करूंगा गाइस, देखो इस बार मसल साइज मींस लाइक साइज तो इन्होंने अच्छा पुट ऑन करा अपने फ्रेम में, लेकिन कंडीशनिंग देखूंगा लास्ट टाइम ये कितने ये हिट कर पाते हैं, क्योंकि कंडीशनिंग राजा जी जिस तरीके से अपना साइज बढ़ाया बट कंडीशनिंग हिट नहीं कर पाए, तो बहुत बार ऐसे एथलीट्स को केस सुनने में मिलता है। तो लेट्स ही देखते हैं। वैसे मैं बता दूं तो बढ़िया लग रहे हैं, साइज वाइज बढ़िया लग रहे हैं, तो बट कंडीशनिंग वाइज देखेंगे, क्योंकि मैन्स लीग जो गेम है वो कंडीशन का है। कंडीशनिंग बिल्कुल ऑन पॉइंट होना चाहिए, बॉडी बिल्कुल सिमेट्रिक होना चाहिए। वैसे इनमें अभी तो थोड़ा वेस्ट कर रहे थे, मतलब नैरो उतना नहीं दिख रहा, शोल्डर का जो ब्रॉडनेस होना चाहिए, बट देखेंगे ऑन द स्टेज, क्योंकि ये अभी एक अच्छे एथलीट्स हैं गाइस। तो आप लोग कमेंट कर बताना इनका फिजिक आप लोग को कैसा लगा। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है जर्मी बुंडिया की तरफ से गाइस। तो उन्होंने एक अपडेट शेयर करा था जिसमें वो लाइक बता रहे कि आई थिंक वो इंजर्ड हो चुके हैं। तो गाइस आप इस वीडियो को देखने, जर्मी बुंडिया के बारे में आप लोग क्या सोचते हो कि इस साल ये कमबैक करेंगे, ओलंपिया के स्टेज पे दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, और आप लोग जरूर लिखना गेट वेल सून गाइस। तो आप इस वीडियो को देखना। You guys, a few weeks ago that I was having neck pain again and shoulder pain, and that's caused from Jeremy the herniated disc in my neck. So I'm back here at the doctor's office. It's a pain management specialist, and I showed you guys this a few, like a year ago, and then 6 months ago. I have to get a cervical epidural done every 6 months to help with the pain. And once this is done, probably within a few days, I'm back to training normally. But this is what I have to deal with and go through every 6 months in order to keep myself healthy enough to train, or at least manage the pain so I can train. So just keep you guys updated. I'm at the office right now, about to get an 8-inch needle in the neck, and be back hitting the weights hard in a few days. तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है गुरुजी मुकेश गहलोत की तरफ से। उन्होंने आप लोगों के लिए कुछ टिप्स शेयर करा था इस वीडियो के। गुरुजी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं आप लोग कमेंट करके जरूर। घर पे दूध दही है, घर का मक्खन है, तो आप उसको यूज करें। मक्खन खाने में या फुल क्रीम दूध पीने में, दही खाने में बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। आपके बल्किंग फेज में हेल्प करेगा आपको। जितना आप डाइजेस्ट कर सकते हैं उतना घी भी आप यूज कर सकते हैं। मेरे कई एथलीट हैं जिनके घर में दूध दही है, घर का मक्खन है, और वो बाहर से फुल वो डबल टोन दूध पीते हैं, बाहर से पनीर खरीद के खाते हैं। पता नहीं है मार्केट में मिलता क्या, ये आपको भी पता नहीं है। जब आपके पास घर का है तो उसी को यूज करो ना। दूध अपने आप में कंप्लीट डाइट है। हमें फैट भी उतना ही ज़रूरी है जितना कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन ज़रूरी है, ये मत भूलो आप। फैट बहुत ज़रूरी है हमारी हेल्थ के लिए, और बल्किंग फेज में तो ख़ास तौर से कैलरीज को सरप्लस करने में भी आपको हेल्प करेगा। और आपका जो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन वो भी सैचुरेटेड फैट से ही बनता है। आप बिल्कुल फैट जीरो कर देते हैं, ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। आपके पास घर का सोर्स अवेलेबल है तो उसको ज़रूर यूज़ करें। घर पे नहीं भी है तो फिर भी हेल्दी फैट को आपने चूज़ करना ही है। चाहे आप ड्राई फ्रूट्स लें, ऑलिव ऑयल लें, मस्टर्ड, सरसों का तेल बहुत हेल्दी है, कोकोनट ऑयल बहुत हेल्दी है, तो फैट को जीरो कभी नहीं करना। दूसरा क्वेश्चन आपका होता है कि प्रोटीन को हम पानी में यूज़ करें या मिल्क में। तो जब आपको क्विक एब्जॉर्प्शन चाहिए होता है आफ्टर ट्रेनिंग, तब तो आप पानी में ले बेस्ट हैं, जल्दी डिलीवर हो जाएगा आपके मसल्स को। जब आपको एकदम से नीड नहीं है उसको एब्जॉर्प्शन की, तो आप दूध में पिए, कैलरीज भी बढ़ेगी और आपके बल्क में भी हेल्प करेगा। तो कल से वीडियो देंगे जो आपके बहुत सारे क्वेश्चन मुझे मिले हैं, उनमें से मैं शॉर्ट लिस्ट करके 8-10 क्वेश्चन जो मास को इफेक्ट करते हैं वो मैं आपको कल से वीडियो आपकी डिमांड्स पे देना शुरू करता हूँ। थैंक यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना। इसी प्रकार आपको फिटनेस का सारा अपडेट सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल सिंक फिटनेस पे मिलेगा गाइस। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।